हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में क्या चल रहा है? मैं ऑनलाइन क्लास आपकी गायत्री स्कूल में शुरू हो गई है। मैं अभी फिलहाल आपको कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अच्छी तरह से पढ़ना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करके मुझे बता देना, तो मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? तो यहाँ देखो, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। और कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी जैसे कंटिन्यूटी निकालते हैं तो एक फंक्शन दे रखा होता है एफएक्स, और इस पे एक पॉइंट दे रखा होता है एक्स बराबर ए पर या दो पर या तीन पर या चार पर, इसकी कंटिन्यूटी निकालेंगे, ठीक है ना? और ये फंक्शन दे रखा होता है और ये पॉइंट दे रखा होता है। तो आप ऐसे देखो, अगर आपसे अच्छा समझ में आएगा, अगर आपसे देख लो एक बार। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है? ये फंक्शन है, फंक्शन की जो फंक्शन का जो इक्वेशन है ना, वो ये होगी इस फंक्शन की। और इस पे फंक्शन पे हमें मान लो यहाँ पे देखना है एक्स को, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमने सपोज दैट के मान लिया है। इस पे देखना है ये कि इस एक्स बराबर ए पर इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कंटिन्यूटी है कि नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे जैसे तुम्हारे यहाँ लाइट आती है, तो लाइट आती है तो तारों में होकर लाइट आती है, और कहीं से बीच में से तार को काट लो तो लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है ना? तो ऐसे ही आप ये समझ लो, ये तुम्हारा ग्राफ है और बीच में से छोड़ के फिर कहीं से स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना? तो हम करेंगे कैसे, हमें एक पॉइंट दे रखा होगा एक्स इक्वल्स टू वन पर, एक बताओ ये कंटिन्यूटी में है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये एक्स बराबर ए पे वैल्यू देखेंगे इस फंक्शन में, मान लगा के इस पे देखेंगे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखेंगे, तो इधर राइट हैंड लिमिट में देखेंगे। तीनों वैल्यू अगर सेम होती है, ऐसे समझ लो एक हल्का सा इधर उधर, जैसे एक्स इक्वल टू ए है तो इससे h इधर, h का मतलब ये समझ लो पॉइंट जीरो 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 और कोई वन, मतलब h की वैल्यू ऐसी है जो बहुत ही कम है। और इधर देखेंगे h प्लस h, a प्लस h पे दोनों साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और ये एफ एक्स, तीनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो कंटिन्यूटी में होगा। तो यहाँ चेक करने का सिस्टम, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन इफ। तो यहां देखिए कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो एक्स इक्वल्स टू ए पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में तीनों में वैल्यू सेम होगी तो कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ देख लो, आप ऐसे देख लो, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की नेगेटिव साइड इन लेफ्ट हैंड लिमिट है, और एफ एक्स में एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए, और ये पॉजिटिव साइड है इधर, तो यहाँ प्लस एच होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की पॉजिटिव साइड एफ एक्स। आप ये समझ लीजिए, ये फंक्शन है, ये जो चीजें है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, फंक्शन का वैल्यू देखेंगे, जो पॉइंट दे रखा है उसके वैल्यू देखेंगे, और राइट हैंड लिमिट में वैल्यू देखेंगे। तीनों वैल्यू अगर सेम आती है तब हम कहेंगे ये कंटिन्यूटी में, यानी ये जो ग्राफ है यहाँ पे टूटा हुआ नहीं, ठीक है? और अगर इनमें से कोई भी एक चेंज आती है,
तो हम कहेंगे यहाँ से ग्राफ टूटा हुआ डिसकंटिन्यूस है, क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इधर साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है ना, तो आप ये ए है वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे ए माइनस एच, और ये राइट हैंड लिमिट है ना, तो इसमें आप लिखेंगे ए प्लस एच, और ये एफ ही है, तीनों के बराबर होना चाहिए। चलिए अब डिसकंटिन्यूस देखिए, ये तो कंटिन्यूस वाला है, अब का फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इफ, इसमें तीन चार पॉइंट होंगे, ऐसे समझ लो, या तो ये एफ एक्स जो है लिमिट या तो आप ये समझ लीजिए कि यही एग्जिस्ट नहीं करता, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए पर ये है ना एडजस्ट नहीं करता, एडजस्ट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इस पे पॉइंट अगर नेगेटिव आ जाता, ये इस पे ऐसे समझ लीजिए एफ एक्स पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वैल्यू वो इनफाइनाइट आती है, इनफाइनाइट कब आएगी, जब एफ एक्स की वैल्यू ऐसे दे रखी हो एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, तो यहाँ देखो इसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू है, अगर यहाँ पे हम x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो रखें, x माइनस टू इक्वल्स टू हमने जीरो रखा तो x इक्वल्स टू वन, यानी x इक्वल्स टू वन पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जीरो आती है तो उसकी पूरे की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, क्लियर, डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड स्टेप आप ऐसे समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एक ये भी हो सकता है, थर्ड वाला ये भी हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए की नेगेटिव साइड, यानी ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है एफ एक्स के, एफ ए के बराबर नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं, तो इस कंडीशन में डिसकंटिन्यूस होगा। आप ऐसे समझ लो, जैसे ये कंटिन्यूस का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तो उस पॉइंट पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होती है तो कंटिन्यूस होता है, और अगर इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं हो तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये चलो ये पहले इसकी ले लो, इसका इसकी ले लो, फिर उसके बाद में आगे बताता हूँ। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स टेंस टू ए नेगेटिव साइड एफ एक्स होता है, इसमें एक्स की जो एफ एक्स की वैल्यू है इसमें एक्स की जगह हम लगाएंगे ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में ये पॉजिटिव साइड है और इसमें एक्स एक्स का मान लगाएंगे हम ए प्लस एच, क्लियर। अब हम इसके एक एग्जांपल से आपको सॉल्व करके बताते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व एग्जांपल बने तो इसमें हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू, ये दे रखा है एक्स माइनस मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स और x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और अगर वैल्यू वन है तो x इक्वल्स टू जीरो। तो इस पे हमें चेक करके देखना है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये एफ एक्स एक्स की वैल्यू ये वन है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है x इक्वल टू वन पे वन वैल्यू है, और ये तो जीरो पे वन वैल्यू है, एक तो ये हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी आप ऐसे समझ लो ये ग्राफ है, तो ये x इक्वल टू जीरो यहां पे है, यहां पे है, तो ये इधर वाला देखेंगे और इधर साइड देखेंगे और ये देखेंगे, तीनों कंडीशन अगर बराबर आती है तब हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, चलो फॉर्मूला लिख लो पहले, कोई बात नहीं, एफ एक्स ये समझ लो ये जीरो पे निकाल रहे हैं ना, तो ये जीरो ही लिखो यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स की वैल्यू, देखो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो से इधर साइड और उधर साइड दोनों में ये फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में दोनों में ये फंक्शन यूज होगा। तो यहां फंक्शन की वैल्यू लगा दो एक्स माइनस मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। अब हमने बताया था आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो रखेंगे और x की जगह हम वैल्यू लगाएंगे 0 माइनस एच, क्लियर है ना, तो लगाते हैं वैल्यू, तो 0 माइनस एच और माइनस मॉडुलस 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। अब यहां पे आप ये एक चीज देखिए, देखो ये मॉडुलस में दे रखा है, मॉडुलस जो होता है एक्स मॉडुलस, अब जीरो से नेगेटिव साइड होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, नेगेटिव साइड होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉजिटिव साइड होगा राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हमें ना ये लेफ्ट हैंड लिमिट में इसकी जगह हम एक्स की जगह ये माइनस, ये मॉडुलस के सामने माइनस लगाएंगे, क्लियर है ना, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब यहां पे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो इसका होगा माइनस एच और ये भी माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो ये आया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस के टू एच अपॉन माइनस एच, ये माइनस से माइनस कटेगा एच से एच कट जाएगा तो वैल्यू आएगी टू। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हम यहां पे निकाल देंगे, चलो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में हम एक्स की जगह लगाएंगे एक्स प्लस टू जीरो पर निकाल लें, तो हम एक्स की जगह लगाएंगे जीरो प्लस एच और फंक्शन कौन सा है, देखो यहां पे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों में यूज होगा और ये x बराबर जीरो के वैल्यू एक दे रखी है, तो यहाँ यही फंक्शन है, फंक्शन इसका हमारे पास ये x माइनस मॉडुलस x अपॉन x, ये फंक्शन है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लें, तो लिमिट x टेंस टू जीरो की पॉजिटिव साइड और fx, जीरो की पॉजिटिव साइड fx,
अब यहाँ से लिखेंगे आगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आओ आप यहाँ लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, हमने आपको बताया था यहाँ पे मॉडुलस एक्स में लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आएगा और राइट हैंड लिमिट में प्लस आएगा, ठीक है ना, तो इसके सामने हम प्लस लगाएंगे, क्लियर। तो यहाँ देखिए इसमें एक्स की जगह पे यही लगाएंगे तो यहाँ लगाते हैं जीरो प्लस एच, ये आया जीरो प्लस एच ये वाला माइनस। अब राइट हैंड लिमिट है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू है ना प्लस की हो रही है तो ये आएगा जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे आया एच और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एच अपॉन एच तो आगे ये जीरो, ये तो जीरो हो गया, ये आया लिमिट एच टेंस टू जीरो और भाई ये जीरो जीरो आया और ये एच आया। एच है ना बहुत छोटी संख्या है, ये एच है ना जीरो तो है नहीं तो बहुत छोटी संख्या है, किसी भी छोटी संख्या से जीरो में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ा राइट हैंड लिमिट में वैल्यू जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू दो है और एक्स प्लस टू जीरो पे एक दे रखा है, तो ये तीनों अलग अलग है तो इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लिमिट एच एक्स टेंस टू जीरो की नेगेटिव साइड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो की पॉजिटिव साइड एफ एक्स और इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो। तो इससे हमें यह सिद्ध हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो के वैल्यू अलग अलग है, अतः ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, यानी ये फंक्शन टूटा हुआ है एक्स इक्वल टू जीरो है, ये है ना फंक्शन, ये एक्स इक्वल टू जीरो है ये ऐसे टूटा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, स्क्रीन शॉट लो।